हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर अमेंडा डेविस, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट सिल्वर स्ट्रीक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम बात करेंगे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग मतलब पीरियड प्रॉब्लम्स के बारे में। बहुत सारी फीमेल्स में पीरियड्स में एबनॉर्मलिटी इन फ्लो आती है, मतलब कभी कभार जल्दी आ सकती है, डिलेड फ्लो हो सकती है, पीरियड के बीच में ब्लीडिंग हो सकता है, कम फ्लो आ सकती है, हैवी फ्लो आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों को गायनेकोलॉजिस्ट के पास दिखाना बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश करते हैं उसका डायग्नोसिस बनाते हैं कि जो हो सकता है, खून में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकता है, यूट्रस के अंदर कुछ दिक्कत हो सकता है, रसोली हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या यूट्रस के अंदर स्वेलिंग यानी एडिनोमायोसिस हो सकता है, या ओवरीज में दिक्कत हो सकता है जैसे PCOD में। तो इसका ट्रीटमेंट या तो मेडिकल मैनेजमेंट से होगा या सर्जिकल मैनेजमेंट में। सर्जरी हम लोग यहाँ सिल्वर स्ट्रीक हॉस्पिटल में करते हैं। लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी होती है जो सारे मेडिकल मैनेजमेंट फेल होने के बाद लैप्रोस्कोपी से ट्रीट हो जाती है। अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो आप जल्दी से गायनेकोलॉजिस्ट से दिखा दीजिए।